फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीरो ऑयल कुकिंग रेसिपीज में। आज हम लोग बीन्स और आलू की सब्जी बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बीन्स और आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम इस सब्जी का मसाला तैयार करेंगे। चलिए, जब तक ये बॉईल होता है हम साइड बाय साइड हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं इसमें 1 टी स्पून पंचफोरन मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1 टी स्पून पंचफोरन मसाला इसमें डाल दिया है और अब मुझे इसे ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने काट के रखा है वो मैं इसमें डालूंगी। हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्रैकल्स होने लगी है और इसमें से आवाज आ रही है, मतलब कि ये जो मसाला है वो ड्राई रोस्ट हो गया है। और अब हम इसमें प्याज और लहसुन जो हमने रखा है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लहसुन और जो प्याज है वो मैंने डाल दिया है और इसे हमें 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसके बाद हम इसमें 1 टी स्पून पानी 1 टी स्पून पानी हम करके बैचेस में डालें और इसे हमें पकाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया है। और इसमें आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो आपको लगातार इसे चलाते रहना होगा, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। और 1 मिनट बाद आपको मैं बताऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून पानी डालूंगी। और इस तरीके से मैं इस प्याज और लहसुन को तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी। अगर 5 मिनट में भी आपके ये प्याज अगर नहीं पकते हैं तो इस प्रोसीजर को आप दोबारा से फिर से फॉलो कर सकते हैं कि दोबारा आपने फिर आप इसमें 1 टीस्पून पानी डालिए और इसे पकाइए जब तक कि प्याज पक ना जाए। ठीक है, चलिए, ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टी स्पून पानी डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 टी स्पून के करीब पानी डाला है और अब मैं इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि एक्चुअली हमें किस स्टेज पर इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा। चलिए, मैं आपको 5 मिनट बाद इसका बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप 5 मिनट बाद प्याज का कलर देख सकते हैं। ये देखिए, एकदम चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें टमाटो प्यूरे डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें ये टमाटो प्यूरे डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें टमाटो प्यूरे डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसी टाइम पर हमें अदरक जो हमने कस के रखा है और हरी मिर्च जो हमने काट के रखा है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स करके इसे चला दिया है। और अब इसी मसाले में मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें हल्दी डाला है और ये अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ,
साथ ही हरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ और ये हींग मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल रही हूँ। मसाले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मसालों में आप जैसा आपको टेस्ट पसंद है आप वैसा रखिए। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं और जैसा आप सब्जी पसंद करते हैं कि अगर आपको स्पाइसी चाहिए या आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, वो सारे मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपने हिसाब से यहाँ मसाले डाले हैं। अब इस मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अब मैं इसे पकने के लिए रखूंगी। चलिए ये मैं इस पे कवर लगा देती हूँ और अब हम इसे दो दो मिनट के उस गैप में हम इसे पकाएंगे। दो मिनट बाद फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और उसके बाद फिर इसे पकाएंगे। इस तरीके से हमें इसे पकाना होगा जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से ना पक जाए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मसाला जितना अच्छा पकेगा सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगी। चलिए मैं आपको 2 मिनट बाद बताती हूँ कि मसाला कैसा हुआ है। और अगर बीच में इनकेस आपको लगता है कि मसाला जो है वो ड्राई हो गया है तो आप फिर से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस मसाले को फिर से अच्छे से पका सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये मसाला है बहुत अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि तेल में पका हुआ ये मसाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये मसाला नहीं पकता है आप 1-1 टेबल स्पून पानी डाल करके इसको आपको अच्छे से पकाना होगा, क्योंकि जब तक ये मसाला अच्छे से नहीं पकेगा आपकी सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक ऑयल वाली सब्जी में टेस्ट आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, अब मैं इस मसाले में जो बीन्स और आलू मैंने बॉईल करके रखा है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये बीन्स और आलू जो है वो इसमें मिला दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स करके आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक कर के फिर से पका रही हूँ और 2 मिनट बाद मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट बाद में आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार है और मैं इसे जल्दी से सर्विंग बोल में डालती हूँ धनिया की गार्निशिंग के साथ और आपको बताती हूँ कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बीन्स और आलू की ज़ीरो ऑयल रेसिपी बनके तैयार है। ये जितनी आपको देखने में टेस्टी लग रही है यकीन मानिए ये उससे कई ज़्यादा टेस्टी भी है खाने में। आपसे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।